मित्रों, राह चलते किसी को सड़क पर पड़े पैसे मिल जाएं, तो मानो इससे बड़ी कोई और खुशी होती ही नहीं। व्यक्ति कितना भी धनवान क्यों ना हो, सड़क पर पड़ा एक रुपए का सिक्का भी उसके चेहरे पर ऐसी खुशी लेकर आता है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। वैसे आपको भी कभी ना कभी सड़क पर सिक्के या फिर नोट जरूर मिले होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि सड़क पर सिक्के या फिर नोट मिलने का रहस्य क्या है? अगर आप भी इस रहस्य से अनजान हैं और बिना कुछ सोचे समझे आप सड़क पर पड़े रुपयों को उठा लेते हैं, तो आज की इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। सड़क पर पैसे या फिर सिक्के मिलने के अलग अलग अर्थ होते हैं। वास्तु शास्त्र की माने तो सड़क पर सिक्का गिरा मिलने का मतलब है कि आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ है, और अगर आप किसी काम को पूरा करने के मकसद से अपने घर से निकले हैं तो यकीन मानिए वो काम जरूर पूरा होगा। वैसे सड़क पर गिरे सिक्के के मिलने का संबंध एक नई शुरुआत से भी हो सकता है। अगर आप अपने जीवन में कुछ नया करने की सोच रहे हैं, उदाहरण के तौर पर आप कोई बिजनेस या फिर नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो सड़क पर मिला सिक्का इस बात को दर्शाता है कि आप जल्द ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ने वाले हैं। दरअसल वो सिक्का इस बात की ओर इशारा करता है कि अब आपका सही समय आ गया है। आप अपने मन में जो भी नई चीजें करने की सोच रहे हैं उसे शुरू कर दें, क्योंकि उस काम में आपको सफलता ही मिलेगी। मित्रों, चूंकि रास्ते पर मिलने वाला सिक्का इससे पहले कई लोगों के हाथों से होकर गुजरा होगा, इसीलिए उस सिक्के में कई अनजाने लोगों की ऊर्जा रहती है, जिसके कारण वो सिक्का एक शक्ति पुंज की तरह बन जाता है। अगर ऐसा सिक्का आप अपने पास संभाल कर रखें तो इससे आपको जीवन में बहुत कामयाबी मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको राह चलते कोई नोट मिलता है, तो वो इस बात का संकेत है कि आपके मन में विचारों की अधिकता है, अर्थात आप एक ही समय में बहुत कुछ सोच रहे हैं, जिसकी वजह से आप मानसिक दबाव झेल रहे हैं। नोट का मिलना इस ओर इशारा करता है कि आपको ज्यादा सोचने की नहीं बल्कि अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनने की जरूरत है। आपको खुद पर भरोसा करने और आगे बढ़ने की जरूरत है, और ऐसा करने से आपको सफलता ही प्राप्त होगी। दरअसल कहा जाता है कि नोट का मिलना ये दर्शाता है कि आपके इष्ट भगवान और पितृ आपके साथ हैं, जो हर मुश्किल घड़ी में आपका साथ देंगे। इसीलिए आपको ज्यादा सोचने की नहीं बल्कि अपने मन की करने की जरूरत है। यहाँ पर आपका ये समझना जरूरी है कि आपको सड़क पर मिला एक सिक्का या फिर एक ही नोट को संभालना है। अगर आपको ज्यादा मात्रा में धन या फिर नोटों से भरा पर्स मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में इस धन को सबसे पहले उस व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करें जिसका ये है, क्योंकि मेहनत की कमाई का ऐसे अचानक खो जाना निश्चित तौर पर किसी भी व्यक्ति को परेशान कर सकता है। वैसे यहाँ आपको ये बता दूं कि यूं अचानक पैसों का गिर जाना भी इस बात का संकेत है कि ईश्वर आपकी परीक्षा लेना चाहता है। ये एक तरह की परीक्षा होती है कि आप उस स्थिति में कैसा व्यवहार करते हैं। पैसे खोने पर आप किसी को दोष देते हैं या फिर ईश्वर पर विश्वास रख के उसे भूल जाते हैं और दोबारा से धन जुटाने की कोशिश करते हैं। अब आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि अगर धन या फिर बटुए के मालिक का पता न चल पाए तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो मित्रों, बता दूं कि अगर तमाम कोशिशों के बाद भी उस व्यक्ति का पता न चले तो इस धन को गरीबों में वितरित कर दें। इसके अलावा आप उस धन को किसी धार्मिक स्थल पर या फिर पुलिस को भी दे सकते हैं, ताकि धन के मालिक का पता चल सके। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे अपने परिजनों और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि सड़क पर मिले पैसों का आप क्या करते हैं। इसके साथ ही अब मुझे इजाजत दें, मैं फिर लौटूंगा ऐसी ही और धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के साथ। देखते रहे द डिवाइन टेल्स यूट्यूब चैनल और लाइक करें हमारा फेसबुक पेज भी। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।